इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कल्याण फाटा गांव देवी मंदिर के सामने रोड पर इस तरह के जो ब्रेकर अक्सर यहां पर बाइक सवार जो है हादसे का शिकार हो रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। रात के समय जो है बताया जा रहा है कि काफी यहां पर हादसे हो रहे हैं। जो ब्रेकर आप देख रहे हैं, इस ब्रेकर की वजह से यहाँ पर हादसे होने हो रहे हैं काफी ज्यादा। ये आप देखेंगे गांव देवी मंदिर है कल्याण फाटा पर, और सामने जो है ये अटलांटा जो है इमारत है, इसके ठीक सामने ही इस तरह का ये ब्रेकर है। आपको ये इसी तरह का ब्रेकर जो है आपको शिमला पार्क आपको जो है वाई जंक्शन तक इसी तरह के ब्रेकर मिलेंगे, और इस ब्रेकरों की वजह से जो है काफी हादसे हो रहे हैं। जबकि ऐसे ब्रेकरों पर जो है व्हाइट कलर की जो है पट्टी लगानी चाहिए, ताकि जो है रात के समय भी बाइक सवारों को दिखाई दे और दिन में भी व्हाइट पट्टी ना लगी होने की वजह से सेम ये रोड के बराबर दिखाई देता है, जिसके वजह से अक्सर बाइक सवार जो है वो ब्रेकर के वजह से गिरते हैं, और इसके वजह से बड़ी गाड़ियों की जो है चपेट में वो आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय जो दुकानदार है, इन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर आए दिन, कल भी यहाँ पर एक भयानक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आगे जब सिग्नल से गाड़ियां छूटती हैं तो बाइक सवार आगे की तरफ होते हैं और उनकी स्पीड जो है काफी तेज होती है, और अचानक ब्रेकर देखते हैं और ब्रेक लगाने की वजह से वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे की गाड़ियां जो आती है उनके चपेट में आने की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। कुछ दुकानदार यहाँ पर है, उनसे जो है बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यहाँ पर हादसे जो हो रहे हैं इसके बारे में क्या बता रहे? अक्सर होते रहते हैं अक्सर, उसकी वजह क्या होती है कि कल्याण फाटा पे जब सिग्नल टूटता है जो स्पीड सिग्नल तो यहाँ पर जो ब्रेकर है, चलो ब्रेकर में दिखता नहीं कुछ है, पट्टी कोई है नहीं, तो स्पीड सारे की वजह से जो ब्रेक ब्रेकर वो लगाते रहते तो उसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। और दिन में एक दो तीन तो हादसे होते रहते हैं। अभी देखिए चप्पल देखिए ये पड़ा हुआ है, कल उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसका, वो तो बच गया, गिरने वाला था, दस टायर बाजू में आ गया था, वो से बचा, उन्हें उसका सर फट गया होता। तो हम लोग कहने कि यहाँ पर पट्टी लगाई। कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? कल करीब 4 बजे करीब हुआ है। कितने लोग थे बाइक पर? तो कैसे कैसे गिरा था वो, क्या ये इस बारे में बताएंगे कि लोग देखते थे? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कैसे हुआ था ये? वो आया मतलब स्पीड में आया गाड़ी लेके, स्पीड में लेने के बाद ऐसे ऐसे ट्रैफिक छुटके तो स्पीड में आता है, क्योंकि व्हाइट पट्टा नहीं है उनको समझ में नहीं आता ये ब्रेकर है, तो उसने आके देखा तो अर्जेंट ब्रेक मारा, गाड़ी स्लिप करके गाड़ी भी गिर गई और उसको टाटा लग गया। तो इस तरह से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और अक्सर बहुत से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम व्हाइट पट्टी भी अगर लगी रहे थोड़ा सेफ रहेगा, दिखाई पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ब्रेकर है। ब्रेकर तो यहाँ पर एक तरह ये बताइए कि अभी एक काम हुआ है, इन्होंने इतना छोड़ दिया इंसान को, यहाँ ब्रेकर नहीं है, मतलब ये रोड से थोड़ा सा बना के छोड़ दिया है, इधर इस साइड में नहीं है। अच्छा, ये बाद में बनाया है, ये बाद में अभी बनाया है, तो कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट हो जाए तो क्या है, लोग क्रॉस करें, देखिए अभी वहाँ पर रश होता है तो क्रॉस किए जाते हैं और स्पीड से जाते हैं, गलती लोगों की भी है। कम से कम दिन में मतलब अक्सर 10-2 गिरते ही है। कितने हादसे होते हैं? कम से कम 10 से 15 मतलब हादसे होते ही रहते, हमेशा होते रहते हैं, ना गिरते रहते, कोई ना कोई गिरते, हम लोग उठते कल भी और कितना मतलब कोई हिसाब नहीं है उसका, लिमिट है। अच्छा, अगर व्हाइट कलर का पट्टी वगैरह लगा दिया जाए, पट्टी भी रहेगा तो लंबे से दिखेगा, तो वहां से गाड़ी स्लो हो जाएगी, थोड़ा गाड़ी स्लो करेगा, फिर आके अर्जेंट वो ब्रेक लेते हैं तो स्किड हो जाती है गाड़ी, कल वो वहां स्किड हुआ आके डिवाइडर पे लेटा रहा। आपको बताएंगे इसी तरह से जब कल्याण फाटा से गाड़ियां छूटती है तो ऐसे बाइक सवार काफी तेज होते हैं, अचानक जो है ब्रेकर देखने की सामने दिखाई देता है और ब्रेक लगाने की वजह से वो गिर जाते हैं, इस वजह से काफी हादसे जो है यहां पर हो रहे हैं। बहरहाल अगर इस पर व्हाइट पट्टी लगाई जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हादसों पर लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन आपको इस तरह के जो है ये ब्रेकर जो है आपको वाई जंक्शन तक लगभग इस तरह के ब्रेकर आने जाने वाले दोनों रास्तों पर आपको दिखाई देंगे, और इसी वजह से जो है हादसे हो रहे हैं वाइट पट्टी ना लगने की वजह से। एक दो जन को गिरते हुए उठा के फिर वहाँ लेके जाते हैं, पानी वानी देते हैं, कहीं खून निकल जाए तो हम लोग उसको कपड़ा रख के उसको मतलब वो कर देंगे। भाई कल उसका खून बहुत गिर रहा था, उसको रुमाल लगा तब उसका खून बंद हुआ, फिर बाद में उसके दो जन आए उठाए उसको साथ में लेके गए। क्या प्रशासन से क्या मांगे आप लोग? वो जरूरी है, वो तो
क्या बोलते हैं उसको, कहा जाता है कि जरूरी चीजों में से आपने ब्रेकर बनाया तो व्हाइट पट्टा ना हो तो बोलते हैं। अच्छा ब्रेकर भी देखा जा रहा है, ऐसा है कि काफी बेढंगा ब्रेकर है। आगे चले देखिए आप, वो हमेशा गड्ढा रहता है, गड्ढा है वाकई जी, वो हमेशा ही रहता है गड्ढा, तो गड्ढा भरते हैं भी। ये ब्रेकर भी जैसा है ना, इतना बड़ा ब्रेकर नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा ऐसे ब्रेकर दो तीन पास में होना चाहिए, ये पहाड़ की तरह बना के छोड़ दिया, स्पीड कम होगी और ये पहाड़ की तरह बना के छोड़ दिया, उसका ये है जाते तो गाड़ी उड़ के वहाँ जाती है, जंपिंग होती है, अरे गाड़ी फेंक जाती है, ब्रेकर की वजह से, ब्रेकर की वजह से पलटी भी हुआ, पलटी भी हुआ पलटी हुआ, हादसे काफी ज्यादा होते हैं, मतलब बेढंगा ब्रेकर है ना, बेढंगा है, बनाने का ये तरीका नहीं है, और इसीलिए इसको ब्रेकर डबल चाहिए, दो ब्रेकर छोटा होना चाहिए, दूसरा मतलब डबल सेफ्टी रहेगा, मतलब बेढंगा लाके डामर लाके डाल दिए पहाड़ की तरह ऊंचा कर दिया, बहुत से लोग कैसा मान रहे, चलो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे से स्पीड में गाड़ी चलेगी बड़ी गाड़ी तो मेजर एक्सीडेंट होने से हो जाएगा, कल यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और ये जो तमाम दुकानदार है ये लोग यहाँ पर रहते हैं, अक्सर इनके सामने ही यहाँ पर जो है हादसे होते हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि जो ब्रेकर बनाया गया है काफी बेकार बेढंगा बेढंग तरीके से ब्रेकर बनाया गया है, और इस ब्रेकरों पर जो है व्हाइट कलर की पट्टी लगाया जाए, चाहे दिन हो रात हो कम से कम ये ब्रेकर दिखाई दे, ताकि आने जाने वाले लोग जो है हादसे का शिकार ना हो।